हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे मथुरा के पेड़े की रेसिपी, बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है। ये कढ़ाई मैंने बहुत ही भारी तले की लिया है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और 2 किलो इसके अंदर मैं दूध डाल दूँगी। फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, ये पहले से उबाला हुआ दूध है, और इसके अंदर जो मलाई आई थी वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी है। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, और ये देखिए इसमें बहुत ही जल्दी उबाल आ गया। और ऐसे इसको हम लगातार चलाएंगे हाई फ्लेम पे। 15 से 20 मिनट में ये बहुत ही जल्दी मावा बन के तैयार हो जाएगा। इसको लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध की क्वांटिटी हमारी बिल्कुल हाफ रह चुकी है, और ये देखिए रबड़ी बन चुकी है। और इसको इस स्टेज पे हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, लगातार चलाएंगे इसको। इसे हाथ पे छींटे लगने का भी डर है, और बस ये अपनी फॉर्म में आ चुका है। लगातार चलाते रहेंगे, और इसके अंदर हम 2 चम्मच देसी घी के डालेंगे। इसे अलग ही शाइन आएगी इसमें। लगातार चलाएंगे इसको। और बस ठंडा कर लेंगे इसको। खोआ हमारा बनकर रेडी है, और इसको मैंने ठंडा कर लिया बिल्कुल, ये देखिए। और इसके अंदर हम पाउडर शुगर डालेंगे, बड़े 2 चम्मच डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अच्छे से मिला लेंगे। और बस ऐसे हम हाथ में लेंगे, और इसको अच्छे से बाइंड करेंगे, और पेड़े की शेप दे देंगे, ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी पेड़े बिल्कुल बन के रेडी हैं। सारे पेड़े बना लेंगे, और यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए, सर्व कर लेते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।